हाँ, तो पिछले वीडियो में देखे थे लिगेंड, लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु क्या था? जैसे के फोर एफ ई सी एन सिक्स है। इसमें बड़े कोष्टक में या जो उत्साह संयोजी क्षेत्र होता है, उत्साह संयोजी क्षेत्र में जो धातु होता है उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहोगे। वो धातु जो है लिगेंड के द्वारा जो है उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। जो लिगेंड होता है वो उप इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, तो उसमें जो बंध होता है उपसंयोजी बंध या उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा रहता है। तो इसमें ये जो है वो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, केंद्रीय धातु परमाणु, और ये जो होता है वह लिगेंड है। जो लिगेंड होता है वो सामान्यतः, हाँ, जो लिगेंड होता है वो सामान्यतः इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, या उसी को लुईस क्षार कहा जाता है। मतलब लिगेंड जो होता है वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, और केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजी बंध के द्वारा जुड़ा रहता है। तो जहाँ पे, और ये पाया कहाँ जाएगा? उपसंयोजी क्षेत्र में सामान्यतः मिलता है। तो केंद्रीय धातु परमाणु क्या है? वह उपसंयोजी क्षेत्र में मिलेगा, लिगेंड से जुड़ा रहता है, वह इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है केंद्रीय धातु परमाणु, और लिगेंड जो होता है वह इलेक्ट्रॉन दाता होता है। हाँ, ये लिगेंड हो गया केंद्रीय, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, ऐसे नहीं रहे। जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, और लिगेंड जो होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन दाता होता है। और इस आधार पर इसको लुईस क्षार कहा जाता है। और ये जुड़ा कैसे रहेगा? जो जुड़ा होता है वह उपसंयोजी बंध के द्वारा, ऐसे इसमें जैसे के फोर एफ ई एन सिक्स है, तो अगर आयनाइज किया जाएगा तो फोर के प्लस चार प्लस एफ ई एन सिक्स। अब इसमें जैसे आयरन है, आयरन इसमें सेंट्रल मेटल का कार्य करेगा या सेंट्रल मेटल का कार्य कर रहा है यहाँ पे, और जो साइनाइड है या सीएन है वह उपसंयोजक क्या कहते हैं लिगेंड का कार्य कर रहा है। अब लिगेंड जो होगा एक दो तीन चार पाँच छः, तो अब ये चार तो इस पर माइनस चार हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? अब ये इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया, आयरन जो हो गया वह सेंट्रल मेटल हो गया, केंद्रीय परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु, जो सीएन समूह है वो आपका इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, या इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य कर सकते हो, या तो फिर उसको कहोगे आप लुईस क्षार। तो अब क्लियर हो गया, लिगेंड वह परमाणु या लिगेंड वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होता है जो कॉम्प्लेक्स आयन में या उपसंयोजी मंडल में जो है बड़े कोष्टक में धातु से इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है या उपसंयोजी बंध का निर्माण करता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन दाता का कार्य करता है, और इलेक्ट्रॉन दाता के कार्य करने के कारण उसे लुईस क्षार कहा जाता है। और केंद्रीय धातु परमाणु क्या होगा? केंद्रीय धातु परमाणु वह परमाणु होता है, वह धातु परमाणु होता है जो उपसंयोजी क्षेत्र में पाया जाता है और लिगेंड के द्वारा उपसंयोजी बंध से जुड़ा रहता है। तो यहाँ पे ये हो गया, ये केंद्रीय धातु परमाणु या सेंट्रल मेटल एटम, और जो साइनाइड है ये सब पूरे वो सब आपका लिगेंड हो जाएंगे या इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जाएगा इसको, ठीक। अब लिगेंड को आगे
इसे क्लासिफाई किया गया है या आवेश के उसको कई भागों में बांटा गया है उसकी प्रकृति के आधार पर। तो आवेश के आधार पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिगेंड जो होता है वह आवेश के आधार पर कितने प्रकार का होता है। सामान्यतः लिगेंड धनावेशित लिगेंड, उदासीन लिगेंड, धनावेशित लिगेंड या ऋणावेशित लिगेंड वह लिगेंड होगा या वह परमाणु या परमाणुओं का समूह होगा जिस पर ऋण आवेश होगा उसको कहेंगे ऋण आवेशित लिगेंड। जैसे फ्लोराइड हो गया, सीएल फ्लोराइड, ब्रोमाइड, साइनाइड, ये सब क्या हो गया आपका ऋण आवेशित लिगेंड। उदासीन लिगेंड में वह होगा कि उसमें इलेक्ट्रॉन तो रहेगा, मतलब लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन दाता होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का कंडीशन होगा तो उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। लोन पेयर कम से कम एक तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो वह उदासीन लिगेंड कहा जाएगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब कोई यौगिक अपना अर्धक पूरा कर लेता है, पूरा करने के बाद बंध बनाया होगा, बनाने के बाद अगर सेंट्रल एटम का जो है इलेक्ट्रॉन जोड़े में कम से कम एक ठो बचा हुआ है या कई ठो बचे हो तो वह इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। या उसके आधार पर हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं जैसे H2O है, हाँ ऑक्सीजन हो गया। अगर ऑक्सीजन की देखें तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, 2 और सॉरी 8 होता है, 2 और 6 हो गया और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कुल 6 इलेक्ट्रॉन मिलता है। अब हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन इस प्रकार हो जाएगा, अब हाइड्रोजन ये इस प्रकार जुड़ा और ये ऐसे जुड़ गया। तो अब यहाँ पे ये तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ये दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये हो गया नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो यही जो शेष बचा होता है इलेक्ट्रॉन बंद बनाने के बाद शेष बचा एक जोड़े में इलेक्ट्रॉन है तो वह एक इलेक्ट्रॉन युग्म या एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहा जाता है। अगर दो हुआ है तो जल में इस प्रकार व्यवस्था देखोगे तो जल में दो इलेक्ट्रॉन का दो लोन पेयर है। तो मतलब लोन पेयर हो तो उदासीन लिगेंड वह लिगेंड होगा जिसमें लोन पेयर उपस्थित हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो सामान्यतः नॉन बॉन्डिंग बंद नहीं बनाता है या बंद बनाने के फलस्वरूप शेष बचा हुआ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जैसे अमोनिया है तो अमोनिया में आपका एक लोन पेयर बचता है, जल है जल में दो लोन पेयर, तो उदासीन लिगेंड वह लिगेंड होगा जिसमें कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जो देने की स्थिति में या दाता कर दान करने की स्थिति में रहे। और धनावेशित लिगेंड वह लिगेंड होता है जिस पर कम से कम एक धनावेश हो। धनावेश ये अत्यंत दुर्लभ होते हैं जैसे NO प्लस चार्ज होता है। तो ये था सामान्यतः लिगेंड का प्रकार, धनावेशित, उदासीन और ऋणावेशित लिगेंड। तो धनावेशित में धनावेश रहेगा, ये अति दुर्लभ होते हैं, बहुत कम मिलेंगे। उदासीन होगा जिस पर ना तो धनावेश रहेगा, ना तो धनावेश रहेगा और ना ही ऋण आवेश रहेगा, वह उसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा। ऋण आवेशित लिगेंड वह परमाणु या परमाणुओं का समूह रहेगा जिस पर ऋण आवेश उपस्थित रहे, तो वह आपका ऋण आवेशित लिगेंड कहा जाएगा। अब देखेंगे संयोजकता के आधार पर, संयोजकता के आधार पर जो है लिगेंड, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड या त्रिदंती लिगेंड। जैसे इसमें देखो संयोजकता के आधार पर हम लिगेंड की व्याख्या वर्गीकरण करते हैं। हाँ बच्चों, तो
क्या था, संयोजकता के आधार पर लिगेंड देखना था। लिगेंड का प्रकार, जैसे लिगेंड का प्रकार संयोजकता के आधार पर वो दंती का मतलब है संयोजकता से है, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा लिगेंड जो जितना केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उस संयोजक बंध का निर्माण करता है उसे उतना दंती कहा जाता है। दंती मतलब संयोजकता से संबंधित है, या दंती का मतलब सामान्य अवस्था में डेंटेड जो होता है, डेंटेड का संबंध टूट से है और ये सामान्यतः उसकी तुलना लिगेंड की तुलना धातु से की जाती है, क्योंकि ये धातु परमाणु आयन को ठीक उसी प्रकार घेरे रखते हैं, जैसे मुंह में दांत जो है जीभ को घेरे रहता है। तो डेंटिसिटी के आधार पर लिगेंड की ये व्याख्या किया गया है। तो डेंटिसिटी मतलब दांतों से संबंधित है, तो उस समय ये कहा गया कि दांत का मतलब जैसे वो होता है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोगों का जीभ सेंट्रल मेटल है और जो दांत है वो आपका लिगेंड हो जाए, तो लिगेंड को जैसे चारों तरफ से घेरे रहता है, जैसे आपका सीयू है वो इस प्रकार है, अमोनिया से तो इस प्रकार क्या है, ये आपका सेंट्रल मेटल है और ये सब आपका लिगेंड होते हैं। तो लिगेंड उसमें दिखाई उसी प्रकार घेरे रहते हैं जैसे हम लोगों के दांत जो घिरा रहता है जीभ के द्वारा। तो यहाँ पे या तो फिर लिगेंड का अर्थ एक और समझ सकते हैं कि लिगेंड में दंती मतलब की हो गया आपका उपसह संयोजक बंध, जो परमाणु या जो लिगेंड जितना उपसह संयोजक बंध लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ बना सकता है उसे उतना लिगेंड कहा जाएगा, उतना दंती कहा जाएगा या उतना संयोजी कहा जाएगा। मतलब अगर एक लिगेंड है जैसे संयोजकता के आधार पर या उपसह संयोजी बंध बनाने के आधार पर, उपसह संयोजी बंध किसके साथ बनाएगा, सेंट्रल मेटल के साथ बनाएगा। तो यदि एक दंती लिगेंड वो या मोनोडेंटेड लिगेंड या यूनिडेंटेड लिगेंड वह लिगेंड होगा, इसमें एक दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होगा जो उदासीन या निरावेशित हो सकता है, और वो एक मतलब जब वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में होगा या उपसह संयोजी क्षेत्र में होगा तो वह एक उपसह संयोजी बंध का निर्माण करेगा, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ये सब अमोनियम है, तो ये सब एक उपसह संयोजी बंध का निर्माण करेंगे तो उसको कहोगे एक दंती लिगेंड। अगर दो उपसह संयोजी बंध का निर्माण कर रहा है तो यहाँ पे यही करेगा उपसह संयोजी बंध से, उपसह संयोजी बंध जो है बनेगा यहाँ से जो धातु के बीच बनता है, तो वो हाइड्रेटो बनता है या हाइड्रोजेनिक एसिड होता है, तो हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो आयनाइज करने पे जो आयन होगा उसमें दो आवेश होता है, वो दोनों आवेश किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में रहेगा तो वो दो ठो उपसह संयोजी बंध का निर्माण करेगा। या एथिलीन डाई एमीन है, एथिलीन डाई एमीन में नाइट्रोजन जो होता है वो सामान्यतः लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, अब यही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के साथ उपसह संयोजी बंध बनाएगा, जो दो उपसह संयोजी बंध बनाएगा इसमें कह सकते हैं एक उपसह संयोजी बंध होगा और इसमें दो उपसह संयोजी बंध होगा। मतलब द्विदंती लिगेंड में दो उपसह संयोजी बंध होंगे और त्रिदंती लिगेंड में क्या होगा कि एक यहाँ लोन पेयर, एक यहाँ पे लोन पेयर, एक यहाँ पे लोन पेयर, मतलब तीन, क्या इसको कहते हैं डाई एथिलीन ट्राई एमीन, मतलब इसमें क्या होगा तीन उपसह संयोजी बंध बनेगा।
और चतुर्दंती में क्या होगा, इसमें चार लोग ऐसे ऐसा यौगिक होगा जिसका चार परमाणु में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा और चारों परमाणु उस सह संयोजी बंध का निर्माण करेंगे केंद्रीय धातु के साथ, तो वह कहा जाएगा क्या है, तो चतुर्दंती कहोगे। इसमें कुल चार उप सह संयोजी बंध बनेंगे, चार उप संयोजी बंध बनेगा। और पंचदंती में देखो यहाँ पे एक ये हो गया, दो तीन चार, चार ठो लोन पर इलेक्ट्रॉन देगा। अब पंचदंती में ऐसा लीजिए वह लिगेंड जिसमें पांच, जिसके एक ही लिगेंड में पांच परमाणु ऐसे हो इसमें लोन पेयर बचा हुआ हो और वह लोन पेयर उस संयोजी बंध का निर्माण केंद्रीय धातु परमाणु के साथ करे, तो उसको कहोगे पंचदंती लिगेंड। या एक साधारण भाषा में कह सकते हो कि वह लिगेंड जो केंद्रीय धातु परमाणु के साथ पांच उप संयोजी बंध का निर्माण करे उसको कहोगे पंचदंती लिगेंड। जैसे इसमें क्या है, ये नाइट्रोजन हो गया, एक दो तीन, तीन एक चार एक पांच, तो एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसिटेट, दो एमीन है तीन ठो एसिटेट, या EDTA भी कहा जाता है इसको। अब इसमें तो आधार पर क्या कहा गया, इसमें सामान्य अवस्था में जो लिगेंड का प्रकार है संयोजकता के आधार पर उसमें उप सह संयोजी बंधों की संख्या के आधार पर है, उप सह संयोजी बंध जो जितना बनाएगा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ वह उतना उसका वर्गीकरण का आधार बनता है। जैसे एक उप सह संयोजी बंध बनाता है तो एक दंती, दो उप सह संयोजी बंध बना रहा है तो द्विदंती, तीन उप सह संयोजी बंध बना रहा है तो तीन दंती, त्रिदंती और या चार सौ संयोजी बंध बना रहा था चतुर्दंती, या पांच सौ बना रहा है तो पंचदंती, या छह सौ बनाएगा तो छठदंती कहा जाएगा। इस प्रकार इसमें लिगेंड का वर्गीकरण किया गया है उसके उप सह संयोजी बंध के बनाने के आधार पर।